हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड गाइस कि मैं अभी अपने छत के ऊपर हूँ, घर के छत के ऊपर। और जैसे कि अभी 4-5 दिन बाकी है होली का, तो सभी को हैप्पी हैप्पी होली। और मेरा नाम संजय यादव है और नारायण संजय यादव है, तो देख सकते हैं गाइस। और आज मैं टूर के लिए निकलने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाकर शूट करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो पे। तो गाइस चलते हैं लोकेशन के लिए। हेलो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर से निकल रहा हूँ, और घर से निकलते ही जैसे ही मैं दूसरा लोकेशन पे पहुँचूँगा वैसे ही आप लोगों को दिखाऊँगा। जैसे कि मैं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपने अपने कामों में जस्ट होंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये देखिए पीछे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये संडेश्वर मंदिर है और यहाँ पे अनेक सारे बहुत ही भोले बाबा का मंदिर है। जैसे कि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, और देखिए चारों तरफ देखिए कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए सब बैक साइड में पूरा हरियाली हरियाली है। और ये देखिए, जैसे कि मैं चलते जा रहा हूँ और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है बैक साइड में। और ये देखिए, जैसे कि देखिए बैक साइड में यहाँ पे भक्तजन लोग आते हैं, और भोले बाबा का मंदिर है जो कि बैक साइड में जो मंदिर दिख रहा है वो मंदिर के अंदर ही भोले बाबा विराजमान है। और अंदर ही, जैसे कि आज कोई उनका ये नहीं है, उनका तो सोमवार का दिन ही रहता है। जैसे कि उनका जो भी भक्तजन आते हैं और जल धारण करते हैं, पूजा पाठ जो भी है, जैसे कि आज तो उनका दिन नहीं है। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिवरात्रि था, जो कि बहुत ही जैसे कि मेला वगैरह हो गया, जैसे इस तरह तो यहाँ पे लगा करता है। तो देखिए बैक साइड, मैं थोड़ा ही बनाऊंगा और हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मंदिर से थोड़ा दूर आ गया हूँ। मंदिर से देखिए आने में मुझे देर नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ में देखो गाड़ी है, तो मुझे आने में देर नहीं लगा। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर से, ये नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए मुझे देर नहीं लगा। और जैसे कि देख सकते हैं ये गाड़ी से मैंने आया, तो देर नहीं लगा है ना। इसी तरह जैसे कि समझ सकते हैं, और ये भी लोकेशन बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे सभी तरफ हरियाली हरियाली है। जैसे कि ये लोकेशन बिहार में आता है, गया जिला में। और भी मैं लोकेशन पे जाऊँगा और अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो
ज़्यादा दूर नहीं है ये मंदिर से, बहुत ही नज़दीक है। ज़्यादा कितना होगा तब पर भी 1 किलो के आसपास ही होगा, 1 किलोमीटर के लमसम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे आने में देर नहीं लगा, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी लोकेशन आप लोगों को दिखाऊं। तो देख रहे हैं कि बैक साइड मेरा जो गाड़ी है, मेरा ग्लैमर है, तो आप लोग तो जानते ही हैं बाइक से जाना, कहीं भी पहुंच जाना ज़्यादा देर नहीं लगता। तो मुझे आने में यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगा, मैं आ गया, देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ट्रेन गुजर रही है यहाँ से, रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, यहाँ से रेलवे लाइन है, तो यहाँ से पास करेगा ट्रेन। देखिए उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, पास में है रेलवे लाइन का, नज़दीक में ही उसका पास में जो कि गुजर रही है। दोस्तों आप लोग लोकेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा बाद में, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, है ना दोस्तों। तो जैसे कि देख रहे हैं कि गुजर गया, तो चलिए दोस्तों आगे आगे भी जाके दिखाने की कोशिश करते हैं, तब तक जय हिंद। हेलो दोस्तों, हाय गाइस, देख सकते हैं कि मैंने कुछ ही दूर में आ गया हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये गुरपा क्षेत्र में आता है, और देखिए पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर देखिए दिख रहा होगा मंदिर है, जैसे कि बजरंगबली है, भोले बाबा भी विराजमान है, और उसके बाद माता है। तो यहाँ पे टूरिस्टर कहलाता है, यहाँ पे बहुत ही आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, आउट ऑफ इंडिया कंट्री से यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये थोड़ा फॉरेस्ट इलाका है, पर ये देखिए शांति इलाका है। देखिए दिखाते हैं, जैसे कि देखिए बैक साइड में पूरा ये है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऊंचाई है, लेकिन ऊंचाई है, और जैसे कि चढ़ेंगे तो थोड़ा दूर नज़दीक में जाएंगे तो और ऐसा लगता है कि बहुत ही नज़दीक में है, पर दूर से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऊंचा में है और बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि चारों तरफ देखिए बहुत ही यहाँ पे ज़बरदस्त हवा भी आ रहा है, क्लाइमेट आज जरा सा थोड़ा बादल टाइप है, जो कि गर्मी भी नहीं है और ना ही ठंडा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के बारे में तो नहीं बता सकते, पर देख सकते हैं कि यही गुरपा है, जो कि टूरिस्ट एरिया कहलाता है। बहुत दूर दूर से, बहुत दूसरे कंट्री से भी आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। देख सकते हैं वहाँ पे दिख रहा है। चलिए और आगे जाके दिखाते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अब गुरपा से निकल रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए बाइक पे बैठ गया हूँ और स्टार्ट करूँगा और निकलूँगा यहाँ से, और जैसे आगे होगा वैसे और लोकेशन आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं कि देखिए रोड पे हम हैं, और ये देखिए पहाड़ पीछे रह गया, थोड़ा दूरी में आके हम यहाँ से बता रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्लाइमेट और हवा, नेचुरल हवा मिल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जा ही नहीं, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं आप सब, रुक जाए यहाँ पे, आप सब बोलेंगे तो रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर आगे का लोकेशन कैसे दिखा पाएंगे। ठीक है, आगे चल के दिखाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइस, देखिए कि जैसे कि मैंने बहुत ही थोड़ा दूर आ गया तो मैंने सोचा कि यहाँ का नज़ारा अच्छा है। देखिए माउंटेन है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है लोकेशन, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा बता दें। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लोकेशन है, देखने लायक है ना, बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं ताकि आप लोगों को भी पसंद आए, है ना, तो ज़रूरी समझा मैंने, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक लेता हूँ और आप लोग को बता दूं, है ना। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि आज तो मौसम ही अलग है, तो हर जगह पे जा रहा हूँ तो हर जगह पे ऐसा लग रहा है कि रुक जाओ, बहुत आनंद आ रहा है। तो जरा ठीक है, आगे बताएंगे और भी आगे दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो लोकेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये गुरुपा से कुछ ही दूर में है, जो कि लोधवे में मैं अभी हूँ, और जो कि आप लोगों को ये सब दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं, जो कि हर एक किस्म का यहाँ पे पौधा मिल जाएगा, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है, एक एक मतलब जड़ी बूटी का जैसा अनेक रूप है इस पौधों में। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सुहाना ही सुहाना, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, मुझे जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से, लेकिन क्या करो, आप लोगों को और भी जगह दिखाना होगा तो मुझे तो जाना तो ज़रूर होगा, इसीलिए थोड़ा सोचा कि अच्छा से समझा सकूँ, बता सकूँ, है ना। तो यही है, ठीक है, आगे चलते हैं, दिखाते हैं। हेलो गाइस, देखिए यहाँ से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, क्योंकि मैं बाइक चलाते हुए मैं जा रहा हूँ रास्ते में, मैं अकेला हूँ तो मैं हाथ से अपने हाथों से पकड़ा मोबाइल को और शूट भी कर रहा हूँ, बाइक का आवाज भी आ रहा लग रहा है गाइस, आप सब जरूर बताइएगा लोकेशन के बारे में, आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हे गाइस, देखिए मैं आ गया हूँ फिर से एक लोकेशन पे, जो कि एक साइड पीछे देखिए ये एक नदी है, जो कि इसे फल्गु नदी बोलते हैं। ये नदी के जाके गया जी में मिले हैं, और जो कि वहाँ से गंगा स्टार्ट होते हैं, जैसे कि
सुनभद्र में जाकर मेला हुआ है, तो वहीं से गंगा स्टार्ट माना जाता है। तो ये देखिए पीछे देखिए दिखा रहे हैं आपको, पीछे ये देखिए पीछे बैक साइड चिमनी ईटा भट्टा है, और इसके पीछे देखिए ये देखिए पीछे ये पुल बन रहा है जो कि नया ब्रिज बन रहा है, पहले टूट गया था ये नया बन रहा है। बहुत ही जबरदस्त नया पुल बन रहा है जो कि पुराना ब्रिज टूट गया था, इसी के कारण नया बनाना पड़ रहा है। क्या हवा आ रहा है, जबरदस्त हिमाजी। बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा। आज का दिन तो ज़्यादा ही कुछ अच्छा दिन है, और मुझे लगता है आज मौसम भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, मौसम गड़बड़ के कारण ज़्यादा ही आनंददायक है आज, जैसे कि देख सकते हैं मौसम थोड़ा धुंधलापन नज़र आ रहा है, तो आप तो गेस कर ही सकते हैं किस तरह का आज मौसम है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गुरपा से ये मेरे घर के नज़दीक है, जैसे कि मैं अभी हे गाइस फिर से हम आ गए हैं दूसरे लोकेशन पे, जो कि जैसे कि नदी के थोड़ा ही दूरी पे है, जो कि ये भी मुझे अच्छा लगा लोकेशन, तो मैंने दिखाना आप लोगों के उचित समझा। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, हरियाली है, और ये देखिए ये नदी से एक पाइन बनकर आया है, जो कि देखिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे गड्ढा जैसा, इसमें नदी से पानी आता है और खेतों में जाके इसके जरिए गिराया जाता है, खेत पटाने के लिए काम में आता है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का नज़ारा, हरियाली है, पेड़ है, पौधा है, बहुत ही यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त है सीन, देखने लायक है, जो कि आप देख सकते हैं, आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं यहाँ का वातावरण का, जैसे कि देखिए हरा हरा पौधे हैं। ये दोस्तों ये फतेहपुर का ही बगल में है, बहुत ही ऐसा नज़ारा कम देखने को मिलता है, हरा हरा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या नज़ारा है दोस्तों, ज़बरदस्त अमेजिंग, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आप लोग तो खुद एहसास कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है ना। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लोकेशन के बारे में, लोकेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, और कैसा लगा देखने के बाद ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, मुझे भी ऐसा एहसास हो कि इतना मेहनत करने के बाद हर लोकेशन पे जा कर आप लोगों की दिखाने की कोशिश किया, ताकि आप लोगों को पसंद आए, इसीलिए मैंने इतना मेहनत करके वीडियो शूट कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग ना भूलिएगा मेरा मेहनत, आप लोग इसे वैध ना जाने दीजिएगा,
आप लोग सपोर्ट करेंगे ताकि मैं और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते रहूँगा। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़रा लंबा होगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि पूरा एक साथ में जितना भी लोकेशन में जाऊँ उन सब लोकेशन को अटैच करके एक ही वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। वीडियो हो सकता है एक घंटे का भी हो सकता है लंबा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बड़ा वीडियो में ये देखना पड़ेगा आप सबको, है ना, तो बड़ा ही वीडियो होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भी इसी तरह लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँगा और जाकर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद। देख सकते हैं बहुत ही बारिश हो रहा है, इतना जमकर बारिश हो रहा है, बड़ा बड़ा बूंद आ रहा है, तो वो भी नहीं, हवा भी चल रहा है, देख सकते हैं हवा भी तूफान की तरह बहुत ही ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। इतना इसमें जोर रहा है, गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि गाइस हमने आप लोगों को बताया था कि कल गए थे पहला लोकेशन पे, दूसरा लोकेशन पे, तीसरा लोकेशन पे, फिर घूमते घूमते शाम हो गया था। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको बारिश वाला भी आपको सीन देखने के लिए मिलेगा इसमें। जैसे कि आज दूसरा दिन टूर पे निकला हूँ, जैसे कि लोकेशन देख ही रहे होंगे आप लोग, तो आ चुका हूँ और टाइम 12 बज चुका है, दिन है, दूसरा दिन है। आप लोग देख सकते हो कि टी शर्ट भी आज दूसरा पहना हूँ, तो आज दूसरा लोकेशन भी है। तो दोस्तों देखिए लोकेशन बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इस तरह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, माउंटेन है, बैक साइड में माउंटेन है, तो देख ही सकते हैं पीछे। और जैसे कि ये बंधुआ इलाका में आता है, ये गया में ही है, बिहार में। तो दोस्तों और जैसे कि आप लोग आउट ऑफ इंडिया कंट्री से भी आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग तो जानते हैं इंडिया एक चिड़िया का ही कहा जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। यू नो गाइस, आउट ऑफ इंडिया जैसे एनी पीपल एनी टाइम कम टू विजिट टू इंडिया, देन यू कैन सी इट हेयर, दिस इज लोकेशन बंधुआ। सो एनी टाइम यू विल कम हेयर, देन यू कैन सी दिस इज लोकेशन बंधुआ। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग ये लोकेशन, जैसे कि मेरा बाइक खड़ा है, बाइक से मैं आया हूँ। सो 15 मिनट लगे हैं, है ना, तो देख ही सकते हैं गाइस, देखिए। और ओके गाइस और भी लोकेशन में चलते हैं, दिखाते हैं। हे गाइस देख सकते हैं सेम लोकेशन है, पर थोड़ा और कुछ ही दूर में आ गए हैं, जो कि यहाँ का भी
बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा है दिखने में। जो लोकेशन अच्छा है, जो कि इस साइड का देखिए, इस साइड का मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, जो कि मस्त है। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी आने का दिल करेगा। देखिए ये बैक साइड में विलेज है, जो कि वहाँ से कुछ ए, और रिक्शा ई रिक्शा आ रहा है। दोस्तों आप लोग एहसास नहीं करेंगे कि ऐसा लोकेशन इंडिया में होता है, और वाकई में दोस्तों होता है हकीकत में। बहुत ही अच्छा अच्छा लोकेशन है, जो कि और आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। जैसा कि गाइस देख सकते हैं, अभी दूसरे लोकेशन पे आया हूँ, ये लोकेशन पे, उससे पहले के दिखा है। ये भी गाइस क्या ज़बरदस्त, अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। ऐसा लोकेशन, क्या लोकेशन है, मुझे तो लगता है कि मैं यहीं पे घर बना के मैं रह जाऊँ। बहुत ही आनंददायक लोकेशन है, क्या सीन है दोस्तों। देखिए ये सीन तो आप लोगों को ज़बरदस्त लग रहा होगा, है ना, सच बताइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होगा। बैक साइड का जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है ना दोस्तों, है ना आनंददायक। ऐसा लोकेशन आनंददायक ही रहता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। देख सकते हैं बैकग्राउंड किस तरह है, देखकर आप लोग एहसास कर ही सकते हैं कि किस तरह का लोकेशन है ना। देखिए पूरा इधर से लेके पूरा बैकग्राउंड, फिर ए साइड देखिए, पूरा हरियाली हरियाली है चारों तरफ दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त, वाव, फैंटास्टिक लोकेशन, इज सो ब्यूटीफुल। मैं तो दोस्तों पसंद करता हूँ ऐसे लोकेशन को, इसलिए तो मैंने आप लोगों को चाहा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट, ताकि आप लोग भी अनुमान कर सकें कि ऐसा भी होता है लोकेशन इस तरह का। और दूसरे जगह जाके दिखाते हैं दोस्तों, है ना। हे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं बैकग्राउंड, ये साइड का मैंने नहीं दिखाया था, जो कि आप देख सकते हैं, ये साइड का भी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, जो कि पूरा पहाड़ी था तो कवर कर रहा था ये साइड का लोकेशन, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से। आप देख सकते हैं, है ना, बहुत ही हरियाली हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। देख सकते हैं पीछे पीछे वो स्मॉल पहाड़ के साइड में देखिए गाछे हैं, हरा हरा सा, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं पीछे का जो वो दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा गाछ है, जो कि अच्छा ही लग रहा है, है ना। तो गाइस, आउट ऑफ इंडिया गाइस, एनी पीपल यू वांट टू कम, देन यू विल कम हेयर, देन यू कैन सी हेयर देयर लोकेशन इज नेम बंधुआ, इट कम इन बिहार एट गया। सो गाइस, अदर फ्रॉम अदर कंट्रीज any people will come to visit India, then you can see here, you can watch here, then you can feel good. So any time you can come to India, then you can see here, it's very good location. So I'm not telling about it, but you can feel it's good or not good. I don't have idea, but you can see here all location, there are too much location
in this video. It's a big, big video. So you can guess about all location. So okay, guys. और भी दिखाने की कोशिश करूँगा आगे चल के, तब तक के लिए हे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आ गए डिफरेंट लोकेशन पे। देख सकते हैं गाइस कि बैकग्राउंड में किस तरह का फिर से अमेजिंग लोकेशन गाइस देख सकते हैं। बहुत ही डाउन है और माउंटेन है, जो कि कितना अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड में भी ये पूरा हरियाली है, इस साइड में देख सकते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे भी दिखा दें, आप लोगों को पसंद आएगा, है ना गैस। अच्छा लोकेशन सही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग इस लोकेशन के बारे में कैसा लगा आप लोगों को, बताइएगा, तब तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को मैंने लोकेशन दिखाया तो अच्छा किया, कितना अच्छा किया, तभी तो पता चलेगा ना। आप लोग जब कमेंट करेंगे नाइस, अच्छा, जो भी है, जैसा भी आप लोगों को लगे, गलत लगे तो गलत बोलिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा बोलिएगा, कितना अच्छा लगे बोलिएगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं, है ना। इस साइड में देख ही सकते हैं पूरा किस तरह का है, चेकिंग कर सकते हैं। और ये देखिए पीछे ज़बरदस्त है ना, आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं। ये देखिए, मैं चल करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ना गाइस। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा इस लोकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा, है ना दोस्तों। तो ठीक है, आगे भी चलते हैं, आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को लोकेशन, है ना, बने रहिएगा वीडियो पे। ओके, हे गाइस, देख सकते हैं कि हम आ गए हैं डिफरेंट लोकेशन पे। जैसे कि देख सकते हैं बैकग्राउंड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लोकेशन पे आए हैं, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, यहाँ का भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, चारों तरफ देखने लायक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह का लोकेशन देखिए, बहुत ही फैंटास्टिक है दोस्तों। ये देखिए बैकग्राउंड में भी देखिए इस तरह माउंटेन है, जो कि उस तरह जाके मैंने दिखाया था, और अभी मैंने इस तरह आ गया, जो कि मेरे साथ ही है, तो मुझे जाने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो आप लोग गेस तो कर ही सकते हैं गाइस, यू कैन गेस हाउ केम टू अर्ली। सो एक्चुअली आई हैव दिस बाइक, सो यू नो अबाउट इट, हाउ मनी विल टेक इट टाइम, डोंट टू मच। सो आई केम टू वेरी अर्ली, सो यू कैन फील, यू नो गाइस, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सो यू कैन सी इट डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट लोकेशन, सो यू कैन गेस आई एम टेलिंग लाई और ट्रूथ। सो ओके गाइस, आई विल गो टू अदर लोकेशन, देन आई विल शो यू डिफरेंट लोकेशन। ओके,
हे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हम डिफरेंट लोकेशन पे आ गए हैं और देख सकते हैं दोस्तों इस तरह देखिए आपको पहाड़ के ऊपर डिफरेंट ये नज़र आ रहा है ना, एक साइड देख ही सकते हैं ये साइड में है पूरा पूरा देख सकते हैं इधर इस तरह भी बहुत ही फैंटास्टिक लोकेशन है। और भी डिफरेंट लोकेशन पे जाकर आप लोगों को दिखाते हैं और भी डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, है ना दोस्तों कैसा लग रहा है दोस्तों। गाइस कितने लोकेशन पे जा जाकर मैंने आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि है ना कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि कितने लोगों को लोकेशन अच्छा लगा, बुरा लगा या जो भी लगा आप लोग बता सकते हैं ताकि मुझे और भी मोटिवेट हो ताकि मैं दूसरे और भी अच्छा लोकेशन पे जाके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, है ना दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर थोड़ा समझ फीलिंग कर ही सकते हैं, जैसे कि देखिए ये देखिए खजूर बोलते हैं इसको, डेट्स, स्मॉल डेट्स एंड दिस इज अ ट्री, लॉन्ग ट्री। गाइस फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, गाइस एनीवन यू वांट टू कम टू इंडिया देन यू कैन सी हियर, दिस लोकेशन इज भूसंडा, लोकेशन नेम इज भूसंडा, सो you came here then you can see it, location name is Bhusanda, so okay, फिर चलते हैं location, next location, तब तक के लिए। Hey guys, जैसे कि देख सकते हैं ये river है जो कि आपको देख रहे होंगे कि पानी की धारा बह रहा है और आगे जैसे कि डैम बना हुआ है, डैम बनाने के कारण ये है कि जो उनके आगे है ना वो साइड ये अपना उनका विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे क्योंकि जो भी पितृपक्ष जो होता है जो पिंड दान ही यहाँ पे आके लोग सब करते हैं, जो कि पूरी भारत से और पूरी आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं पिंडदान करने के लिए। पीछे दिख रहा होगा बैक साइड, पीछे ही मंदिर है जो कि ये डैम बनाया गया है, तो पानी ज़रूरी होता है, पानी ज़रूरी इसलिए होता है कि पितृ का जो ये मतलब जो दान करते हैं तो उसमें नहाने धोने का भी ज़रूरी होता है, तो गर्मी में पानी सूख जाता था पहले, तो इसी कारण अभी क्या किया कि डैम बना दिया ताकि पानी स्टॉक कर सके, पानी रहेगा तो तभी तो पवित्र होगा लोग स्नान करने के बाद जो भी है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की प्रयास करेंगे जैसे कि और भी थोड़ा नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपको पानी की धारा तो समझ में आ ही रहा होगा, पानी की धारा देख सकते हैं, देखिए पीछे मछली मार रहे हैं, जैसे कि जाल होता है ना, जाल में कैच करके फिश निकाला जा रहा है, देखिए बैक साइड आप देख सकते हैं, देखिए वो भी जो है वो जाली ये करके
जाली देख के डाला है पानी में, जो कि वो निकाल रहा है, मच्छी निकालने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए पीछे साइड दिख रहा होगा, पीछे दिख रहा होगा, देखिए आदमी दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं उनको। तो दोस्तों देख सकते हैं उस आदमी ने, देखिए जाल डाला होगा, और देखिए दोस्तों पीछे जो आदमी है वो देखिए जाली ये करके फिश निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि ज़रूर फिश होगा इसमें, क्योंकि पानी बहुत ही है तो फिश तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा फिश ज़रूर होगा। तो इन लोग जाली में ये करके ये निकालने का ये प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि फिश जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ पे फिश की मात्रा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं विज़िट करने के लिए विष्णुपद, बहुत ही नामी और टूरिस्ट क्षेत्र है, जैसे कि आप देखे होंगे पूरी यहाँ पे है ना, देख सकते हैं दोस्तों है ना, पूरी ऐसा जो कि बैक साइड भी दिखा रहा है, जैसे कि बैक साइड भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी लास्ट उस माउंटेन पे एक पहाड़ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं है ना दोस्तों। और ए साइड में भी देखिए पूरा ही ज़बरदस्त लोकेशन है, आप लोग एहसास कर सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर आइए विष्णुपद यहाँ देखने के लिए, विजिट ज़रूर कीजिए, बहुत आनंद आएगा यहाँ पे। हे गाइस फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, एनी अदर गाइस वांट टू कम टू विजिट इंडिया, देन यू आर वेलकम टू इंडिया, आई मोस्ट वेलकम टू यू, ऑल ऑफ पीपल, ऑल ऑफ गाइस यू कैन कम टू इंडिया एंड विजिट हेयर, एंड यू कैन सी हेयर ऑल ऑफ लोकेशन। ओके गाइस इतना ही, और आगे जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस फील्ड में हर साल में एक बार मेला लगता है यहाँ पे। ये लोकेशन का नाम है भुसंडा, इस ग्राउंड में ही लगता है, एक साल में एक बार, एक महीने का मेला लगता है दोस्तों। जैसे कि इसमें मेले में मिलेगा आपको भैंस गाय, अच्छा भैंस जो कि 20 से 30 लीटर दूध देने वाला, जो कि यहाँ पे पशु मिल जाते हैं दोस्तों, इसी ग्राउंड में मिलता है, यहीं पे मेला लगता है, साल में एक बार मेला लगता है, पूरा एक महीना का मेला लगता है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही काफ़ी बहुत बड़ा है ग्राउंड, देख सकते हैं ग्राउंड बहुत ही बड़ा है ना, आप देखिए काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त मेला लगता है, आप लोगों को कभी खरीदना रहेगा गाय या भैंस अच्छा मिल जाता है, आप यहाँ पे आके विजिट करके खरीद सकते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है, मैंने भी एक बार खरीद के लेके गया था जो कि अच्छा था।
अभी भी है। मैंने कुछ बहुत ही सीधा गाय, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिल गया था। तो आप लोग भी यहाँ पे आके ले सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, और आगे चल के दिखाने के प्रयास करते हैं, जब तक के लिए। हे गाइस, जैसे कि हम दूसरे लोकेशन पर आ गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये बोध गया का रोड है, जो कि हम बोध गया जा रहे हैं। और अभी हम बोध गया के रास्ते में ही हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये रोड है, ये रोड उधर ही जाएगा बोध गया की तरफ। हम कोशिश कर रहे हैं बोध गया जाने की, आप लोगों को शूट करके दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो पीछे का भी काफ़ी अच्छा लोकेशन, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, रोड पे खड़ा हूँ और आप लोगों को दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी एहसास हो कि हाँ मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ। आप देख सकते हो रोड पे और अच्छी रोड बाकी है बोध गया के लिए। तो आप आवाज़ सुन ही सकते हैं रोड का दोस्तों। ये देखिए, मैं बाइक पे ही बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी बता दूँ, ताकि बताना चाहूँ और आप लोग भी बता दो। ये देखिए, बैक साइड का काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है दोस्तों, ये साइड का देख सकते हैं, बैक साइड का। ओके, फिर चलते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, है ना। जब तक के लिए आगे चल के दिखाते हैं, ठीक है। हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बोध गया आ चुका हूँ, और देख सकते हैं, देखिए बोध गया पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ही टेंपल है, थोड़ा आगे है, लोगों को दिखा देता हूँ। अभी हम सिटी में हैं, थोड़ा देर आगे है इसका टेम्पल्स, बोधी जी का। आगे जाके देखने का प्रयास करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं बहुत क्या टेम्पल है, एक साइड। हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं विष्णुपद मंदिर पीछे है, जो कि नज़दीक में है, फिर भी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर में है, लेकिन नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पास में, तो 100 मीटर 200 मीटर हो सकता है। देखिए, ज़्यादा दूर तो है नहीं। ये मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, ये देख लीजिए, ब्रिज है, पब्लिक पीछे का देखिए लोकेशन। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो तुम्हें पहले जो दिखाया था हम लोगों को, वो साइड से दिखाया था। अभी मैं इस तरफ आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ से नज़दीक दिखता है। क्या है कि मैं बाइक से हूँ ना, तो मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, इसलिए मैं चाहता कि यहाँ से दिखा दूँ। यहाँ से दिखाना तो अच्छा लगता है, और बाकी देखिए, और उस पहाड़ के उधर भी है, जो कि उस तरफ भी जाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है ना,
बाकी जो कि दूसरा इससे पहले जो दिखाया था उस समय, जो कि अभी इस तरफ आके दिखा रहे हैं आप लोगों को, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नज़दीक है, आप देख सकते हैं आप लोग गाइस। देखिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छी तरह से। ये हाईवे क्रॉसिंग है, ब्रिज है, ओवर ब्रिज, क्योंकि मैं वहीं पे खड़ा होके बाइक पर बैठकर ही मैं शूट कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं, आगे और भी देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ तो गाइस, आज हम टूर के लिए निकल चुके हैं, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हाँ तो गाइस, देखिए आज हमारा टूर है, तीसरा दिन जो कि हम निकल गए हैं। तीसरा दिन आज हम फिर अच्छे अच्छे लोकेशन पे, न्यू लोकेशन पे जाकर हम आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइस देख सकते हैं कि ये भी मुझे लोकेशन अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो मैं सोचा कि आप लोगों को सीन अप करके दिखा दूँ, ताकि मैं तो बाइक से हूँ तो बाइक से जाने में मुझे टाइम नहीं लगता, हर रूट बाय रूट मैं किधर भी चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी हाईवे पे ही हूँ, हाईवे पे खड़ा हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ यहाँ से शूट करके। तो गाइस ये चला, ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा और मेरा शायद आज आखिरी टूर रहेगा, क्योंकि शायद कई लोकेशन पे जा कर मैंने इस वीडियो में कैप्चर किए हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो एक घंटा से ऊपर तक जाएगा। तो गाइस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और जहाँ से भी हैं इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, तो ज़रूर प्यार दुलार दीजिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा, ये मैंने सोचा कि ये जो मेरा चैनल है नाथ संख म्यूजिक, तो गाइस इस चैनल पे ज़्यादा करके सॉन्ग रहेगा, कोरठा, भोजपुरी, मगही, हिंदी, तो सभी टाइप का इसमें ये रहेगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले सोचा कि मुझे घूमना था, तो मैं सोचा कि चलो घूम कर टूर ये करके वीडियो बनाकर और आप लोगों को भी दिखा दें, ताकि हम कहाँ कहाँ गए, इसलिए मुझे उचित लगा। तो मैं आप सबको इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने आप लोगों को बताने की उचित समझा, तो आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा, बने रहेगा, और भी आगे जाते हैं लोकेशन दिखाएंगे, जहाँ पे उचित लगेगा वहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिएगा वीडियो। हे गाइस देख सकते हैं, देखिए आप दूसरे लोकेशन पे आ गए हैं, ये देखिए बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करें, मुझे ये लोकेशन मुझे अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दो। ये देखिए बैकग्राउंड इस तरह देखिए, पीछे की तरह बहुत ही अच्छा है, हरा हरा पौधे हैं, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, जैसे कि देख सकते हैं पीछे, और इस साइड में देखिए थोड़ा हिल है, हिल साइड भी अच्छा लग रहा है, इस साइड देखिए कुछ दिख रहा है ऊपर में, है ना, ऊपर में बना हुआ है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। तो आप लोगों को मैंने
इतने जगह जगह बहुत कितने सारे लोकेशन पे जा जाकर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये कौन सा चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा बोलते हैं इसको पौधा, ये जो पौधा है चिड़चिड़ा है, ये पौधा चिड़चिड़ा मतलब ये जलने के बाद चिड़चिड़ाता है पौधा। और भी देखिए छोटा छोटा बैर के झाड़ हैं, जैसे कि देख सकते हैं बैर, छोटा बैर बोलते हैं इसको। तो देख सकते हैं गाइस छोटे छोटे बैर के पौधे हैं गाइस, बहुत सारे मतलब इनमें से बहुत सारे जड़ी बूटी हैं। इसमें से आप लोग जैसे कि ऋषि मुनि की समय से उन्हीं लोगों को पता है, हम लोग तो उतना जानकारी नहीं कौन सा पौधा किस काम में आता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वो पौधा है, वो पौधा है, तो बस इतना ही है। और देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है लोकेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, प्यारा लोकेशन है, लाजवाब है। आप लोग तो देख ही सकते हैं, गेस कर सकते हैं, है ना, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का देखिए आगे गाड़ी मेरा बाइक लगा हुआ है, मुझे जाने में टाइम नहीं लगता, अच्छे अच्छे लोकेशन पे जा जाकर मैं ट्रक से पहुँच जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास जो बाइक है ना वो बाइक लेके जाती है फटाफट। तो मुझे इसलिए टाइम नहीं लगता, मैं ऑन द स्पॉट पहुँच जाता हूँ। जैसे कि देखिए बैकग्राउंड पहाड़ है, देख सकते हैं दूर दूर से दिखाई दे रहा है, और जैसे कि देख सकते हैं ऐसे इस तरह बैकग्राउंड इस तरह का भी अच्छा है। देखिए बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि इसमें से, और इस तरह देखिए पीछे हिल है, देखिए बहुत बड़ा हिल, क्योंकि मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा था पहले बैकग्राउंड में, वो साइड दिख रहा है बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में स्मॉल दिख रहा है, यहाँ से नज़दीक जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखता है, वीडियो में ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन वो गैस बहुत बड़ा है, वो देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं आप लोग। और ए साइड का भी देखिए, ए साइड का भी हिल है, छोटा है, मैं उसी के पास हूँ, नज़दीक में हूँ, जो कि ये नज़दीक में है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर भी छोटा है, लेकिन जाएंगे जब ऊपर क्लाइम करेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा और फीलिंग भी होगा जब चढ़ेंगे। तो आप लोग गेस कर सकते हैं गाइस, फिर देखते हैं आगे जाके और लोकेशन, न्यू लोकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं बाइक, फिर चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद। हे गाइस देख सकते हैं, देखिए अब दूसरे लोकेशन पे आ गए हैं, ये देखिए बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करें, मुझे ये लोकेशन मुझे अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखिए बैकग्राउंड इस तरह देखिए, पीछे की तरह बहुत ही अच्छा है, हरा हरा पौधे हैं, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, जैसे कि देख सकते हैं पीछे, और इस साइड में देखिए थोड़ा हिल है, हिल साइड भी अच्छा लग रहा है, इस साइड देखिए कुछ दिख रहा है ऊपर में, है ना, ऊपर में बना हुआ है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है गैस। तो आप लोगों को मैंने इतने जगह जगह बहुत कितने सारे लोकेशन पे जा जाकर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये कौन सा चिड़चिड़ा,
कीड़ा बोलते हैं इसको, पौधा, ये जो पौधा है ये कीड़ा है, ये पौधा चिड़चिड़ा मतलब ये जलने के बाद चिड़चिड़ाता है पौधा। और भी देखिए छोटा छोटा बैर के झाड़ हैं, जैसे कि देख सकते हैं बैर, छोटा बैर बोलते हैं इसको, तो देख सकते हैं गाइस छोटे छोटे बैर के पौधे हैं गाइस, बहुत सारे मतलब इनमें से बहुत सारे जड़ी बूटी हैं इसमें से। आप लोग जैसे कि ऋषि मुनि की समय से उन्हीं लोगों को पता है, हम लोग तो उतना जानकारी नहीं कौन सा पौधा किस काम में आता है। जैसे कि हम लोग ठीक कर सकते देख सकते हैं ये पौधा है वो पौधा है, तो बस इतना ही है। और देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है लोकेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, प्यारा लोकेशन है, लाजवाब है। आप लोग तो देख ही सकते हैं, गेस कर सकते हैं, है ना, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का मैंने देखी आगे गाड़ मेरा बाइक लगा हुआ है। मुझे जाने में टाइम नहीं लगता, अच्छे अच्छे लोकेशन पे जा कर मैं फटाक से पहुंच जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास जो बाइक है ना वो बाइक लेके जाती है फटाफट, तो मुझे इसलिए टाइम नहीं लगता, मैं ऑन द स्पॉट पहुंच जाता हूँ। जैसे कि देखिए बैकग्राउंड पहाड़ है, देख सकते हैं ना, दूर दूर से दिखाई दे रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं ऐसे इस तरह बैकग्राउंड इस तरह का भी अच्छा है, देखिए बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि इसमें से। और इस तरह देखिए पीछे हिल है, देखिए बहुत बड़ा हिल जो कि मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा था पहले, जो कि बैकग्राउंड में है, देखिए उस साइड दिख रहा है, बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में स्मॉल दिख रहा है, यहाँ से नज़दीक जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखता है, वीडियो में ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन वो गैस बहुत बड़ा है, वो देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं आप लोग, बस। और ए साइड का भी देखिए, ए साइड का भी हिल है, छोटा है, मैं उसी के पास हूँ, नज़दीक में हूँ, जो कि ये नज़दीक में है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर भी छोटा है, लेकिन जाएंगे जब ऊपर क्लाइम करेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा और फीलिंग भी होगा जब चढ़ेंगे तो। तो आप लोग गेस कर सकते हैं गाइस, हाँ फिर देखते हैं आगे जाके और लोकेशन, न्यू लोकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं बाइक, फिर चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद। हे गाइस, देख सकते हैं पीछे ईट फैक्ट्री है, जो कि चिमनी देखिए सामने दिख रहा, तो मैं उचित समझा ये समझा कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि देखिए बिहार में किस तरह का चिमनी ईट चिमनी का भट्टा रहा करता है। ये देखिए ये मिट्टी जो कि उसके लिए वो ईट बनाने के लिए, देख सकते हैं गाइस, बैक साइड में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही मिट्टी है, ये मिट्टी के जरिए ही ईट को बनाते हैं, मिट्टी को जमा करके रखा, तो बाद में जैसे जैसे लागत लगेगा उसी तरह लोग प्रयोग करेंगे। अब देख सकते हैं पीछे चिमनी भट्टा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे मुझे समझा कि रोककर बाइक को रोका और दिखाने के प्रयास कर रहा, देख सकते हैं बैक साइड, ठीक है आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं। हे गाइस, देख सकते हैं पीछे ईट फैक्ट्री है, जो कि चिमनी देखिए सामने दिख रहा, तो मैं उचित समझा कि मैं
समझे, मैं उचित समझा ये समझा कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि देखिए बिहार में किस तरह का चिमनी ईट ईट चिमनी का भट्टा रहा करता है। ये देखिए ये मिट्टी जो कि उसके लिए वो ईट बनाने के लिए देख सकते हैं गाइस। बैक साइड में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही मिट्टी है, ये मिट्टी के जरिए ही ईट ईट को बनाते हैं। मिट्टी को जमा करके रखा तो बाद में जैसे जैसे लागत लगेगा उसी तरह लोग प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे चिमनी भट्टा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे मुझे समझा कि रोक कर बाइक को रोका और दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं बैक साइड, ठीक है आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं। हे गाइस, हे एवरीवन, जैसे कि देख सकते हैं ये सिरदल्ला का ये ब्लॉक है जो काफ़ी अच्छा है ग्राउंड, जो कि इस ग्राउंड में फुटबॉल या क्रिकेट हुआ करता है नॉर्मल। इसलिए देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये, जैसे कि देख सकते हैं। तो गाइस कितने जगह पे बहुत सारे लोकेशन पे जाके मैंने आप लोगों को वीडियो शूट करके दिखाने का प्रयास किया। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि लोकेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, और क्या है ना कि वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं अपलोड करूंगा और सपोर्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो गाइस कोशिश करता हूँ और आगे जाके थोड़ा दिखाऊँ आप लोगों को लोकेशन फिर भी। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं थोड़ा।